हे गाइस, आज की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीएस के मोस्ट डाउन टू अर्थ मेंबर जे होप के बारे में, जिसमें हम देखेंगे उनकी एज, गर्लफ्रेंड, फैमिली, कार कलेक्शन, इनकम और नेटवर्थ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जे होप के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उनके रियल नेम से। तो उनका रियल नेम है जंग हो सियोग, साथ ही उनका निक नेम है जे होप, सनसाइन किंग ऑफ डांस डोरीमोन। जे होप प्रोफेशन से सॉन्ग राइटर, रैपर, डांसर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं। जे होप का जन्म 18 फरवरी 1994 को गवांजू साउथ कोरिया में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग लोकल हाई स्कूल गवांजू से की थी और उन्होंने अपना कॉलेज हैंगेंग साइबर यूनिवर्सिटी से किया है। आपको बता दें, जे होप ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है। बात कर लेते हैं उनके हॉबीज के बारे में, तो उन्हें कुकिंग करना, वीडियो गेम खेलना, साथ ही टेनिस खेलना बहुत पसंद है। अब बात कर लेते हैं उनके करियर के बारे में, तो आपको बता दें, जे होप को टेनिस खेलना बहुत पसंद है और जे होप अपनी लाइफ में एक टेनिस प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन जे होप अपने कॉलेज में आते आते उन्होंने अपना करियर डांस में बनाने का सोचा और वहां के एक लोकल डांस एकेडमी ज्वाइन कर डांस सीखना चालू कर दिया। डांस में जे होप अच्छे तरह से ट्रेन होने के बाद जे होप ने न्यूरोन डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया और डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगे, जहां जे होप के डांस को काफी पसंद किया जाने लगा। यही कारण है कि जे होप ने 2008 में नेशनल डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर इस कंपटीशन के विनर रहे। इसके वजह से जे होप काफी सुर्खियों में आ गए थे। यही कारण है कि बिग हिट एंटरटेनमेंट ने जे होप को एज अ ट्रेनी बनने का ऑफर दिया, जिसके बाद जे होप ने बिग हिट एंटरटेनमेंट को ज्वाइन कर एज अ ट्रेनर काम करना चालू कर दिया। बिग हिट एंटरटेनमेंट ज्वाइन करने के बाद जे होप ने सिंगिंग और सॉन्ग राइटिंग भी चालू कर दिया, जहां पे जे होप को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और जे होप ने बिग हिट एंटरटेनमेंट को छोड़ने तक का डिसीजन ले लिया था, पर अपने टीममेट्स के समझाने पर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और फाइनली 2013 में वो बीटीएस के मेंबर बन गए और नो मोर ड्रीम सॉन्ग से बीटीएस में अपना डेब्यू किया और 2018 में जे होप ने अपना पहला सोलो ट्रैक होप वर्ल्ड रिलीज किया, जिसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई और जे होप ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जे होप अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा चैरिटी में दान करते हैं, जिससे गरीब बच्चों को पढ़ाई और खाना प्रोवाइड किया जा सके। इसीलिए जे होप को बीटीएस का डाउन टू अर्थ मेंबर कहा जाता है। जे होप को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। साथ ही उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे अभी 44.9 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जे होप के फादर का नाम मिस्टर होसियोक है और उनकी मदर का नाम मिसेज होसियोक है। साथ ही उनकी एक सिस्टर भी है। अब बात कर लेते हैं उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जे होप करेंटली सिंगल हैं, लेकिन र्यूमर्स की माने तो बी सूजी को उनकी गर्लफ्रेंड बताया जाता है। अब बात कर लेते हैं उनकी इनकम और कार कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें, जे होप किसी भी सॉन्ग में एज अ रैपर काम करने के 8 करोड़ चार्ज करते हैं, साथ ही बीटीएस के पर शो के लिए 20 से 25 करोड़ चार्ज करते हैं, किसी भी ब्रांड प्रमोशन के लिए 4 से 5 करोड़ चार्ज करते हैं। उनकी टोटल नेटवर्थ है अप्रोक्स 815 करोड़ के लगभग है। अब बात कर लेते हैं उनकी कार कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जे होप के पास पोर्चे करेरा 911 है, जिसकी कीमत 3.1 करोड़ है। साथ ही बात कर लेते हैं उनके हाउस के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जे होप करेंटली अपनी फैमिली के साथ लग्जरी अपार्टमेंट सियोल में रहते हैं और उनके इस घर की कीमत है अप्रोक्स 32 करोड़ बताई जाती है। तो दोस्तों, ये थी जे होप की लाइफ स्टाइल। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो।